नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीबीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों के और। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी की। जी हां, बात खुशखबरी की ही करेंगे। कृषि भूमि पर अब कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। आपने सही सुना, शहरी क्षेत्रों में कृषि के लिए जो भूमि है उस पर कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। संपत्ति कर की धारा में इसको संशोधित किया गया है और प्रावधान करने वाला हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बना है। चलिए खबर को जानेंगे विस्तार से। हरियाणा में अब शहरी क्षेत्र में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमियों पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। संपत्ति कर लगाने वाली धारा में ही संशोधित प्रावधान के द्वारा केवल कृषि के लिए ही उपयोग की जाने वाली भूमि के कर के दायरे से बाहर करके ऐसा प्रावधान करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश सरकार में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 15 मार्च 2021 को विधानसभा में बिल पारित करके संपत्ति कर लगाने वाले कानून में विशिष्ट तौर पर प्रावधान किया गया है। इस संबंध में एक सरकारी प्रवक्ता ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भारत के संविधान के 7वें अनुसूची की सूची के क्रम संख्या 49 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों को भूमियों एवं भवनों पर संपत्ति कर लगाने का अधिकार है। इस आधार पर सभी राज्य द्वारा भूमियों एवं भवनों पर संपत्ति कर लगाया जाता है तथा इसी के अनुरूप हरियाणा राज्य में भी भवनों एवं भूमियों दोनों पर ही संपत्ति कर लगाया जाता रहा है। 23% नहीं लगाओ, 20% भी इन्फ्लेटेड लगाओ तो 155,000 का बता रहे हैं, तो उसे घटा के देख लो आप कितना आएगा। तो उसमें कुछ भी अगर काम करेंगे तो कर्जे के साथ ही करेंगे और कर्जा लेके रहेंगे। 1,02,39,000 पहले कर्जा इन्होंने होगा और इसके बाद जो अगला बजट आएगा तो कितना ये क्या नाम लोन और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यही मैंने कहा, अगर इसी तरह चलते रहे 18% एवरेज है 14-15 के बाद लाइबिलिटीज बढ़ने का, जबकि GDP का 8% बता रहे हैं। इतना गैप रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं है अगर समय तो स्टेट का दिवालियापन इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये आपको देखना है इस बारे में। और किसान की बात कही, किसान का मैंने कहा कांस्टेंट प्राइस पे आज जो है पर कैपिटा इनकम 63,743 आता है, जो कि मिनिमम वेजी से भी कम है। तो किसान का कहाँ दुगनी की बात है, उसको तो मिनिमम वेजेस भी नहीं पड़ रहा। और जो किसान मॉडल स्कूल थे जो एजुकेशन में, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं, बिल्डिंग बनी पड़ी है, कोई स्टाफ ही नहीं। तो इस प्रकार से जो मुकाबला करते हैं ये पंजाब से या राजस्थान से। बहुत इस बात से संतुष्ट हूँ कि जितनी बातें हमारे साथी विधायकों ने, विपक्ष के लोगों ने खास करके जो उठाई थी, एक एक करके उनका सबका जवाब दिया, चाहे वो आंकड़ों की बात थी और चाहे कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे प्रोग्राम, हमारे कार्यक्रम जो हमने नए पेश किए हैं इस बार, क्योंकि पहली बार बजट के अंदर कुछ नए प्रावधान किए हैं, खासतौर पर जैसे एक डेफिसिट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मिड टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक फंड बनाया हमने 8,500 करोड़ रुपए का नया, उसका आगे उपयोग हो जाएगा कि जो भी कोई वर्ष भर के अंदर अकस्मात किसी प्रकार का कोई खर्च करना पड़ता तो उसमें से हम कर पाएंगे। चलिए खबरों में बात करेंगे अब गुस्सा है टीचरों की। और ये टीचर इसलिए गुस्सा है कि पेशा तो उनका टीचर का है, अध्यापक होने का, वो बच्चों को शिक्षित करे, लेकिन साल भर बाद स्कूल खुलने के बाद भी अब उन्हें काम दिया गया है पहचान पत्र बनाने का, जिसके चलते उनमें खासा रोष देखने को मिला और नाराज टीचरों ने लघु सचिवालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन भी किया। उनका कहना है कि साल भर में जाके तो स्कूल खुले हैं और काम दे दिया है पहचान पत्र बनाने का, इससे बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे ये देश पढ़ेगा। करीब एक साल से कोरोना के चलते बंद पड़े स्कूल को हरियाणा सरकार की तरफ से खोलने के आदेश तो दे दिए, लेकिन वहां पर आने वाले अध्यापकों को पहचान पत्र बनवाने में लगा दिया है। पहचान पत्र और आय जांचने के लिए लोगों के घरों पर अध्यापकों को भेजे जाने से नाराज होकर हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन की तरफ से लघु सचिवालय सेक्टर 12 पर धरना प्रदर्शन किया गया और CM के नाम ज्ञापन भी दिया गया। अध्यापकों का कहना है कि एक साल से स्कूल बंद थे जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। अब सरकार ने स्कूल को खोलने का फैसला तो ले लिया, लेकिन बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों को पहचान पत्र बनवाने में लगा दिया है। इससे छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी और अध्यापकों का कहना है कि वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनसे पहचान पत्र बनवाना चाहती है, जो सरासर गलत है। सर्वे आज से 15 साल पहले टीचर्स ने किया था तो तब भी टीचर्स को चार्जशीट किया गया था सरकार द्वारा,
क्योंकि टीचर गलत नहीं करते, परंतु जब सर्वे के लिए जाते हैं तो लोग सही से नहीं बताते। और दूसरे, हमारे पास जब स्कूल में काम है तो हमें फील्ड में क्यों भेजा जा रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि कल्ली सराय के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में घटना हुई है कि एक बच्चा दूसरी मंजिल से गिर गया, और हमारे कई स्कूल ऐसे हैं जो दूसरी मंजिल पर क्लासें लगती हैं, यदि टीचर के स्कूल में नहीं होगा तो बच्चों के साथ हादसा होना सामान्य बात है, क्योंकि बच्चों की प्रभावित होगी। जब टीचर स्कूल छोड़ के ड्यूटी करेगा तो ऑटोमेटिकली पढ़ाई प्रभावित होगी, क्योंकि टीचर या तो पढ़ा सकता है या सर्वे कर सकता है, दोनों काम एक साथ। स्कूल पुट अप कर दिए गए हैं, लेकिन मॉडल संस्कृति स्कूल सिर्फ बनाने से, बिल्डिंग बनाने से कभी भी देश का भविष्य नहीं बनता। बिल्डिंग और भविष्य बनाने के लिए अध्यापकों की ज़रूरत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में आता है, पहले तो वहाँ अंदर अध्यापक होगा, उसे पढ़ाने के लिए तभी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ होगा। तो एक तरफ तो कहा जा रहा है कि 1000 स्कूल्स मॉडल बना दिए हैं, और को गुमराह किया जा रहा है कि भाई हम मॉडल भी बना रहे हैं, फिर भी सरकारी टीचर अपने ग्राफ को नहीं उठा रहा है। क्यों उठाएगा, जब मॉडल संस्कृति स्कूल में अध्यापक ही नहीं होगा, वो फील्ड में सर्वे कर रहा होगा, तो मॉडल संस्कृति तो धरा रह जाएगा। तो ये दोगली जो नीति है सरकार की, कहीं ना कहीं सरकारी अध्यापक का पूरी तरह से समाज के अंदर बहिष्कार करने का एक दूसरा पैतरा है, और हम इस पैतरा का बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं। खबरों में बात करेंगे अब लापरवाही की। ये लापरवाही है एक निजी अस्पताल की, जिस पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बच्चों का ऑपरेशन किया और ऑपरेशन में उन्होंने लापरवाही बरती है, जिसके चलते उनके बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है और उसकी हालत लगातार बिगड़ रही है। चलिए जानते हैं अब खबर को विस्तार से। बल्लभगढ़ के समयपुर रोड स्थित पवन हॉस्पिटल के ऊपर लगाए लापरवाही के आरोप 11 साल के एक मासूम के परिजनों ने लगाए हैं। उनका कहना है कि 3 महीने पहले हॉस्पिटल में बच्चे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, उसी दौरान डॉक्टरों की तरफ से की गई लापरवाही के चलते बच्चे की तबीयत बिगड़ रही है और हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। पवन हॉस्पिटल पर उन्होंने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। दरअसल आदर्श नगर के रहने वाले एक युवक ने अपने बेटे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन 3 महीने पहले पवन हॉस्पिटल में करवाया था, और लगातार डॉक्टरों के देखरेख में इस बच्चे का ऑपरेशन हुआ, लेकिन परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल के द्वारा लगाए गए टांकों में पस पड़ने के चलते बच्चे की हालत लगातार बिगड़ रही है, जिसकी जानकारी परिजनों ने हॉस्पिटल के डॉक्टरों को भी दी, लेकिन डॉक्टर लगातार लापरवाही बरतते रहे, जिसके बाद बच्चे की हालत इतनी बिगड़ गई कि अब बच्चे को आनन-फानन में एशियन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे का उपचार चल रहा है। गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल में पहुंचकर जमकर हंगामा भी किया, डॉक्टर को खरी खोटी सुनाई, और मामला बिगड़ते देख अस्पताल प्रशासन की तरफ से पुलिस प्रशासन को बुलाया गया। वहीं परिजनों का कहना है कि अगर उनके बच्चे को कुछ भी हुआ तो डॉक्टर को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सारी गलती उस डॉक्टर की है जिस डॉक्टर के द्वारा इस बच्चे का ऑपरेशन किया गया। वहीं जब इस बारे में ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर से बात की गई तो डॉक्टर ने बताया कि इस बच्चे का ऑपरेशन उनके द्वारा 3 महीने पहले किया गया था, और लगातार बच्चे का उपचार भी इसी हॉस्पिटल में चल रहा था। ऑपरेशन हुआ था उसका, और इन्होंने बोला था जी ऑपरेशन सक्सेसफुल है, ये डॉक्टर सुनील है, यहाँ उन्होंने ऑपरेशन मतलब सक्सेस नहीं किया, टांके उल्टे सीधे लगा दिए, और बच्चे को जब से परेशानी हो रही है, इन्होंने कहा था कि 1 महीने तक हमारे यहीं पट्टी कराओगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और अब बोल रहे हैं कि गुंडे बुला रखे हैं, और अब डॉक्टर आ नहीं रहा है, बोल रहे हैं कि अगर तुम 50 बुलाओगे मेरे से मिलने के लिए तो हम 100 बुला देंगे। ये है जी हॉस्पिटल, पवन हॉस्पिटल, ऊपर से गुंडागर्दी और बदमाशी और दिखा रहे हैं कि जाओ भग जाओ यहाँ से, बहनचोद मारेंगे, और बताओ ये बदतमीजी और कर रहे हैं हमारे साथ, बताओ जब बताओ क्या करें। इन्होंने हमसे ये कहा कि भाई बच्चे को दोबारा ऑपरेशन कर देंगे, बताओ दोबारा ऑपरेशन करवाते डोलेंगे हम 3 महीने। डॉक्टर साहब, एक हॉस्पिटल पर आरोप लग रहा है कि हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते एक बच्चे की हालत खराब हो रखी है, क्या पूरा मामला? सर पूरा मामला ये है, हमारे यहाँ ये बच्चा 7 दिसंबर को आया था पेट में दर्द लेके, जो जांच से पता चला कि इसके अपेंडिक्स के नस में सूजन है, अपेंडिक्स में। इसके लिए 8 तारीख को दूरबीन से इसका ऑपरेशन किया गया, क्योंकि जो इनके परिवार वाले ये चाहते थे कि चीरा लगा के नहीं किया जाए, दूरबीन से किया जाए। दूरबीन से ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स निकाल के दिखाया भी गया, बताया भी गया कि काफी ज्यादा सूजन थी। उसके बाद हुआ कि बच्चा 2 दिन के बाद खिचड़ी दलिया खाने लगा, हमारे पास महज तीन चार दिन रहा था, खाना पीना खाना शुरू किया और बच्चा डिस्चार्ज हो गया। उस दरमियान इसको कोई बुखार नहीं आया, कुछ भी नहीं है। एक जहां से ऐसी अगर सड़ी हुई चीज, कोई भी इन्फेक्टेड चीज निकाली जाती है तो मवाद पड़ने की आशंका होती है चमड़ी में, स्किन पे,
तो जो इसके एक टाके में मवाद पड़ा जिसकी ड्रेसिंग से वो भी ठीक हो गया, कुछ पट्टियां हमारे यहाँ चली, आता था बच्चा हमारे पास रेगुलर आता था। परिवार का देश में स्वास्थ्य दर को सुधारने के लगातार प्रयास कर रही है, जिसके चलते नई नई योजनाएं बनाई जाती है। स्वस्थ बच्चा हो और माता भी सुरक्षित रहे, इसके लिए जननी सुरक्षा योजना भी बनाई गई है। लेकिन डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के चलते सारी योजनाओं पर पानी सा फिर जाता है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है बल्लभगढ़ से भी। ये मामला सामने आया है स्टाफ और नर्स डॉक्टर की लापरवाही जो सरासर सामने आई है। स्टाफ ने महिला की बच्चेदानी में एक बैंडेज का रोल छोड़ दिया, जिसके चलते महिला की हालत लगातार बिगड़ती रही और कई बार तो वो बेहोश भी हुई है। महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद घर वालों ने उसे निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। आखिर आपको बताते हैं कि मामला क्या है। सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला को अच्छी सुविधा मिल सके, इसके लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। लेकिन ड्यूटी पर तैनात सरकारी डॉक्टर और नर्स सरकार की नीतियों को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 स्थित सरकारी अस्पताल में देखने को मिला, जहां एक महिला की डिलीवरी के दौरान डॉक्टर और नर्स की तरफ से लापरवाही सामने आई है। डिलीवरी के बाद डॉक्टर और वहां पर मौजूद नर्स ने महिला की बच्चेदानी के रास्ते में बैंडेज का पूरा रोल ही छोड़ दिया, जिसके कारण महिला बेहोश हो गई। परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया तो इस सारे मामले का खुलासा हुआ। अस्पताल में उपचाराधीन दिखाई दे रही महिला बल्लभगढ़ की रहने वाली है और पिछली 9 फरवरी को धीरज नाम की इस महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान सेक्टर 3 स्थित फर्स्ट रेफरल यूनिट में डिलीवरी के लिए दाखिल कराया गया। वहां पर मौजूद डॉक्टर और नर्स ने नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद महिला के बच्चेदानी के रास्ते पर पूरा पट्टी का रोल छोड़ दिया। पीड़ित महिला की माने तो डिलीवरी के बाद उसे उसके परिजनों घर ले गए और लेकिन आज तक उसकी तबीयत बिगड़ती रही और आखिर में वो बाथरूम में बेहोश होकर गिरी पड़ी मिली, जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसके बच्चेदानी में एक बैंडेज का रोल छोड़ा हुआ था और ये बात रिपोर्ट में सामने आई है। पीड़ित महिला डॉक्टर और नर्स के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रही है, ताकि आगे से किसी भी महिला के साथ ऐसा ना हो सके। वहीं पीड़ित महिला के पति विनोद ने बताया कि उसकी पत्नी की डिलीवरी के बाद से ही वो बीमार चल रही थी और 4 दिन पहले तो वो बाथरूम में भी बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद उन्होंने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया तो वहां जांच के दौरान पता चला कि बच्चेदानी के रास्ते में एक बैंडेज का रोल है, जिसको डॉक्टरों ने बाहर निकाल दिया है। लेकिन उसकी पत्नी के इन्फेक्शन फैल गया है, जिसके चलते उसकी तबीयत लगातार खराब है। उन्होंने सरकारी अस्पताल के CMO और पुलिस में भी इसकी शिकायत दी है, ताकि आरोपी डॉक्टर और अन्य स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों और डॉक्टरों की लापरवाही के मामले पहले भी कई बार सामने आते रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इस बार डॉक्टर और नर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई हो पाती है। फिर हम 11 तारीख को घर चले गए और घर पे फिर करेक्ट एक महीने बाद 11 मार्च को वाइफ बेहोश हो गई, और बेहोश होने के बाद फिर हम उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ जाके पता लगा कि उसके चेकअप हुए सारे, और वहाँ जाके पता लगा कि उसके अंदर कुछ है पेट में, और फिर जब उन्होंने बताया कि कुछ है और इसकी वजह से काफ़ी इन्फेक्शन बढ़ गया है, और फिर हम वहाँ से उन्होंने वो बता दिया, फिर हम वहाँ से दवाई वगैरह लेके क्या निकला फिर ऑपरेशन, फिर उसमें वहाँ पे उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक पट्टी है, उस पट्टी का बड़ा सा रोल है जो काफ़ी मोटा है और वो उसके पेट में है, उसकी वजह से काफ़ी इन्फेक्शन हो गया और काफ़ी कुछ भी हो सकता था उसके साथ उसके इन्फेक्शन की वजह से। फिर हम दवाई वगैरह लेके अपने घर पे आ गए, निकाल दी वो पट्टी। हाँ, पट्टी उन्होंने निकाल दी है और फिर वो हम घर पे आ गए, और फिर कुछ दिन बाद उसकी फिर तबीयत खराब हुई और फिर हम दोबारा वहाँ पे सेक्टर 8 में गोयल हॉस्पिटल है, फिर हमने वहाँ पे एडमिट करवाया उसको और अभी वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है करंट में उसका। तो क्या कहीं शिकायत भी दिया आपने? शिकायत हमने एक तो यहाँ आदर्श नगर की हमारी चौकी लगती है वहाँ पे शिकायत दी है, दे रहे हैं आज, और एक यहाँ पे जो BK हॉस्पिटल में यहाँ पे भी शिकायत दे रहे हैं आज, उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, किसी और के साथ कोई गरीब है या कोई और है वो तो अपना इलाज करा ही नहीं पाएंगे, और फिर उन लोगों को कैसे वो हेल्प मिलेगी, और उन आगे से किसी के साथ ऐसा ना हो, हम इसलिए कार्रवाई करना चाहते हैं। सरकारी अस्पतालों में रह रहे कर लापरवाही के मामले सामने आते रहते हैं। अब ऐसा ही एक मामला पलवल के सिविल अस्पताल से भी सामने आया है, जहां पर खासी कमियां नजर आ रही हैं। अभी इस नई बिल्डिंग को बने हुए एक दशक भी नहीं हुआ है और यहां पे PWD और पब्लिक हेल्थ सेक्टर में खामियां नजर आने लगी है। इस मामले की जानकारी दोनों ही विभाग के लोगों को है, लेकिन फिर भी इन कमियों पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई।
पलवल सिविल अस्पताल को बने हुए अभी एक दशक भी नहीं बीता है कि इस नई बिल्डिंग में पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ की बड़ी कमी देखने को सामने आई है। पब्लिक हेल्थ द्वारा सीवर लाइन डालने के समय पूरी तरह से पाइप नहीं डाले गए और नागरिक अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में पब्लिक हेल्थ द्वारा सीवर लाइन पाइप ना डालने की वजह से ज़मीन में पानी नीचे रिसता रहा और ज़मीन धंसने लगी है। जैसे ही नागरिक अस्पताल के अधिकारियों को इसकी सूचना लगी तो चीटियों के माध्यम से शिकायत दी गई, परंतु एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी दोनों विभाग में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। नागरिक अस्पताल पलवल में स्वास्थ्य विभाग की नई बिल्डिंग को बने अभी 6 साल ही पूरे हुए हैं, लेकिन नई बिल्डिंग में कमी देखी गई है तो पूरी तरह से नई बिल्डिंग जर्जर हालत में दिखाई देने लगी। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इस बिल्डिंग को तैयार किया गया और वाटर सप्लाई व सीवरेज से रिलेटेड पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा इसमें कार्य को पूरा करने का जिम्मा दोनों विभाग का था। बिल्डिंग बनाते वक्त पब्लिक हेल्थ द्वारा सीवर लाइन व चैम्बर बनाने का काम पूरा करना खानापूर्ति जैसा रहा और नागरिक अस्पताल के SMA डॉक्टर अजय माम ने बताया कि पब्लिक हेल्थ में PWD को सीवर लाइन की वजह से अस्पताल के पीछे वाली जमीन पर धसी रही। इस शिकायत को एक हफ्ते से ज़्यादा बीत चुका है, परंतु दोनों विभाग में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उस जमीन को JCB के जरिए खुलवाया तो असलियत सामने आई, जहां पर पब्लिक हेल्थ सीवर द्वारा जो लाइन डाली गई वहां पूरा पाइप नहीं डाले हुए थे और सीवर लाइन का पानी जमीन के नीचे रिसता रहा और जमीन नीचे बैठने लगी। वहीं गंदे मच्छर मलेरिया का डर भी आसपास के लोगों को सताने लगा है। स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए शिकायतें तो की, परंतु अभी तक कोई कार्यवाही देखने को नहीं मिली है। पानी ऊपर आ रहा था मैनहोल से, उसमें हमने देखा कि एक तरफ से उसमें निकासी हो नहीं रही थी, तो पब्लिक हेल्थ वालों को भी हमने दिखा दिया। उन्होंने भी कोशिश की थी कि वो ब्लॉक उसका लगा था कि ब्लॉक है तो ब्लॉक निकाल दें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। फाइनली उनसे बात करके उन्होंने हमें यही कहा था कि ये पूरा खुदाई करके इसमें शायद हो सकता पाइप शायद नीचे टूटा पड़ा हो, तो उन्होंने हमें कहा था कि आप इसको खुदवा के रख लो तो हम उसमें फिर ये पाइप ठीक कर देंगे। तो जब हमने इसमें, क्योंकि इतना ब्लॉकेज था, ज़मीन भी ऊपर थोड़ा वो लग रहा था कि दब रही है, तो हमने खुदाई कर ली तो हमें नीचे जो मिला कि जो मैनहोल था वो बिल्कुल जर्जर था, वो बिल्कुल पूरा ही टूट के गिर गया। उसके आगे पाइप जो था वो हमें वहाँ पे सबूत पाइप तो कुछ मिला नहीं, वो एक पूरा लेंथ है पाइप का। तो अभी उसके बाद हमने अब पब्लिक हेल्थ वालों को बोला है कि इसमें ये रिपेयर करने के लिए थोड़ा इसमें वो कह रहे हैं कि मैनुअल चैनल पहले वो बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए PWD का उसमें कुछ काम कह रहे हैं वो। आगामी 21 तारीख को गांव नरियाला में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के होली मिलन समारोह के विरोध को लेकर नरियाला गांव में किसान संघर्ष समिति के सदस्य और कई गांव की सरदारी ने पंचायत का आयोजन कर ग्रामीणों से निवेदन किया है कि वो गांव में दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम आयोजित ना करें, लेकिन इस बात को लेकर कुछ ग्रामीण नाराज भी हुए हैं। गांव हीरापुर के मंदिर में दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम के विरोध में पंचायत का आयोजन भी किया गया। इस पंचायत में किसान संघर्ष समिति के सदस्य व अन्य पालों के मौजूद लोगों ने ग्रामीणों से आग्रह किया है कि वो दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम यहां पर ना होने दें। उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से वो लोग कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए यहां पर ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारी रतन सिंह सौरोत ने बताया कि उन्होंने ग्रामीणों के सामने निवेदन किया था, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि उन्होंने तो केवल जमीन दी है और आयोजन करने वाले JJP के पदाधिकारी हैं। सौरोत का कहना था कि संवैधानिक तरीके से विरोध करने का सभी को अधिकार है और वो इसका जमकर विरोध करेंगे। वहीं पंचायत में शामिल हुए कांग्रेसी नेता जगन डागर ने कहा कि वो भी एक किसान के बेटे हैं और हर हालत में दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। एक तरफ तो किसान पिछले कई महीनों से अपने परिवारों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं और दुष्यंत चौटाला यहाँ होली मिलन समारोह करके उनके जख्मों पर नमक लगाना चाहते हैं, तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कृषि कानूनों को लेकर तो हम भी किसानों का समर्थन करते हैं, लेकिन गांव में अगर दुष्यंत चौटाला आते हैं तो उनको कैसे रोक सकते हैं, हमें तो उनका सहयोग करना पड़ेगा। जो सरदारी यहां आकर दबाव डाल रही है वो गलत डाल रही है। हम किसी विधायक को गांव में आने से रोक नहीं सकते,
पहली बात। दूसरी बात, हमारा ये एरिया जितना भी हमारा जो क्षेत्र है ये चौधरी बेल्टों में आता है, ये नरिया लगाम पंडितों का है जी। और ये गांव किसी भी खाने में है नहीं। अगर आज हम दुष्यंत को और अरविंद जी को मना करते तो इस गांव को तो कोई सी भी पार्टी अपनाएगी नहीं आज के बाद में। सरकारी जमीन है, हमारी जमीन है, सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन में आ सकते हैं अपनी में वो। अच्छा। वो कभी भी कोई प्रोग्राम करे हमें तो सहयोग करना पड़ेगा। पंचायत में हमारे तमाम इलाके की सरदारी आई थी और सरदारी में हमारी किसान संघर्ष समिति के हमारे साथी भी थे और पालों की सरदारी भी थी। और इस क्योंकि कल मोहना गांव के ही उसमें सामाजिक तौर से जो हमारा सिस्टम है तो उस सिस्टम के अनुसार मोहने गांव की और चौहान पाल की जो सरदारी थी वो उसमें ये गांव उसमें आते हैं। हमारे चौहान पाल में हमारे सामाजिक तरीके से जो हमारा सामाजिक सिस्टम बुजुर्गों देखे गए तो उस लिहाज से मोहने से लेकर के तमाम इलाके की सरदारी आई थी। और हमारी किसान संघर्ष समिति जो आंदोलन कर रही है उसके प्रतिनिधि भी हम लोग सब यहाँ आए हुए थे और हमने फरियाद रखी क्यों कि प्रोग्राम उनका। खबर की और, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा के सौजन्य से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पलवल में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों की विभिन्न इकाइयों ने भाग लिया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पलवल के प्रधानाचार्य भगत सिंह ने बताया कि रोजगार मेले में हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों की विभिन्न इकाइयों ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आईटीआई पलवल की प्लेसमेंट सेल को सूचना दी थी, जिसमें आईटीआई पास, डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिकल पास एवं नॉन आईटीआई के करीब 1500 अभ्यर्थियों की रोजगार के लिए आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले के माध्यम से अधिक युवाओं को रोजगार देने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशानुसार हर महीने आईटीआई पलवल में रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। अभी तक करीब 250 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही विभिन्न कंपनियों में आईटीआई पास युवाओं को प्रशिक्षण के लिए भी भेजा जाता है ताकि युवाओं के हाथ में कौशल प्रदान किया जा सके। और अभ्यर्थी दीपक कुमार ने बताया कि उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है और रोजगार मेले में जॉब के लिए आए हैं। उन्होंने बताया कि मेले में विभिन्न राज्यों की कंपनियों ने भाग लिया है और रोजगार मेले को लेकर युवाओं में काफी उत्साह बना हुआ है। सरकार से अपील करते हुए कहा कि समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन करे ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। अभ्यर्थी लता अग्रवाल ने बताया कि रोजगार मेले में जॉब हासिल करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते अधिकतर युवा बेरोजगार हो गए हैं, ऐसे में युवाओं को दोबारा जॉब के अवसर प्राप्त होने ही चाहिए। सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि जो लोग जॉब के बिना घूमते हैं, जिनकी लॉकडाउन में जॉब हट गई है और जिनको जॉब की जरूरत है, उनकी जॉब लगे, कि ऐसे जॉब फेयर लगवाते रहना चाहिए उनको यहाँ पलवल में। जैसे कि आज हमारे यहाँ पलवल में आईटीआई कॉलेज में लगा है ये जॉब फेयर। इस क्षेत्र के छात्र छात्रों और छात्राओं को रोजगार दिलाने के लिए इस संस्था में आज जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत करीब 1500 विभिन्न विभिन्न हमारे ट्रेड्स हैं, जैसे आईटीआई की हैं, उनमें कुछ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी हैं। ये हमें हमारी प्लेसमेंट सेल को ईमेल के माध्यम से इंडस्ट्रियों से वो वैकेंसी प्राप्त हुई है, जिनको आज हम इंडस्ट्री आने लगी है, हमारे पास कई इंडस्ट्री अभी आई है। खबरों में बात करेंगे अब गुस्साए सरकारी बैंक के कर्मचारियों की। उन्होंने अपना रोष प्रकट किया है और निजीकरण के विरोध में उन्होंने हड़ताल भी की है। ये हड़ताल 2 दिनों की रही। हड़ताल के चलते बैंक कर्मचारी तो हड़ताल पर बैठ गए, लेकिन जो बैंक के ग्राहक थे वो अपने काम के लिए चारों तरफ भटकते हुए नजर आए। जिले में सरकारी बैंकों के कर्मचारी सरकार के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल पर बैठ गए और बैंकों की हड़ताल के चलते अपने कार्यों के लिए आए ग्राहक बैंक के बाहर भटकते देखे गए। बैंकों के हड़ताल के चलते जहां व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ तो वहीं बैंक में भी राजस्व का काफी नुकसान हुआ। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों ने सुबह से ही बैंक बंद रखे और नेशनल हाईवे 19 स्थित कैनरा बैंक के बाहर धरने पर बैठ गए। बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि यह हड़ताल सरकार की जन विरोधी बैंकिंग एवं आर्थिक नीतियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक के निजीकरण और उसमें विनिवेश के सरकार के फैसलों के विरोध में है।
वहीं व्यापारियों तथा नियमित कामकाजी लोगों को जिनका रोजगार बैंक से लेन देन होता है उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी। बैंक कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उनकी यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो सकती है जिसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार होगी। आज जो हड़ताल है वो बैंकों के निजीकरण के विरोध में है और पूरे देश में सभी बैंकों के 10 लाख अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं निजीकरण के खिलाफ। सारे सरकारी बैंक रहे उनकी हड़ताल, सारे सरकारी बैंक आज 100% बंद रहेंगे, उनका लेन देन टोटली वो टोटली 100% बंद रहेगा। तो आज केवल एक दिवसीय हड़ताल है? दो दिवसीय हड़ताल है, 15 तारीख को और 16 तारीख। अगर उसके बावजूद अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, अगर उसके बाद भी अगर मांगे नहीं मानी जाती तो इनडेफिनेट स्ट्राइक आएगी और बैंकों का टोटली काम बंद हो जाएगा और अनिश्चितकालीन स्ट्राइक होगी। किस तरह का निजीकरण किया जा रहा है? बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, बैंकों का टोटली जो है प्राइवेट बेचा जा रहा है बैंकों को। कब तक आपकी हड़ताल? ये दो दिन की हड़ताल हम लोग कर रहे हैं। ये भारत सरकार ने सरकारी बैंकों को निजी हाथों में देने की योजना बनाई है तो वो निजीकरण के खिलाफ हम ये हड़ताल कर रहे हैं। देखिए साहब, अभी ये दो दिन की हड़ताल है, भारत सरकार अगर तब भी निजीकरण पे ही अपना जोर देगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, लेकिन हम ये सरकारी बैंकों को बिकने नहीं देंगे। खबर की और, स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वच्छता मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जहां ये मजबूत चीजें होती हैं वहीं बेहतर कल भी होता है। स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छता का आपस में गहरा संबंध है और स्वास्थ्य और शिक्षित नागरिक ही संपूर्ण स्वच्छता को पूरी तरह से समझ सकता है और दूसरों को भी इस बारे में जागरूक कर सकता है। ये जानकारी पुनहाना नवनियुक्त उपमंडल अधिकारी नागरिक रणवीर सिंह ने दी है और उन्होंने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान ये बातें कही हैं। पुनहाना उपमंडलाधिकारी नागरिक ने रणवीर सिंह ने जब पुनहाना का कार्यभार संभाला तो वो लगातार एक्शन मोड में नजर आए और नवनियुक्त एसडीएम ने पिछले दिनों उपमंडल में हो रहे अवैध माइनिंग की शिकायतों को लेकर मौके का मुआयना भी किया, जिसके बाद जिन रास्तों पर अवैध माइनिंग हो रही थी उनसे रास्तों को पूरी तरह से नष्ट कराया गया। इसी तरह पुनहाना के नवनियुक्त उपमंडल अधिकारी नागरिक रणवीर सिंह ने पुनहाना में के मेवात मॉडल स्कूल व पुनहाना की अनाज मंडी का औचक निरीक्षण भी किया। इस दौरान एसडीएम ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों की बैठक लेने के साथ साथ वहां पर रिकॉर्ड की भी जांच की। उन्होंने मार्केट कमेटी के अधिकारियों को आदेश दिए कि मंडी में फसल बेचने के लिए आए किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पुनहाना के उपमंडल अधिकारी रणवीर सिंह ने बताया कि समाचार पत्रों के द्वारा उन्हें जानकारी मिली कि पुनहाना की अनाज मंडी में मार्केट फीस की चोरी हो रही है, जिसके बाद उन्होंने पुनहाना मार्केट कमेटी कार्यालय का दौरा किया और रिकॉर्ड की भी जांच की। उन्होंने बताया कि मार्केट कमेटी में किसी प्रकार की कोई फीस चोरी नहीं हो रही है। इसके अलावा उन्होंने अनाज मंडी में मूलभूत सुविधाओं का भी जायजा लिया और अधिकारियों को अनाज मंडी में बने शौचालयों की साफ सफाई कराने के साथ साथ पीने के पानी की उचित व्यवस्था बनाए रखने के भी आदेश दिए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोविड की हिदायतों का पालन करें, अपनी सुरक्षा के लिए मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग हमेशा करें। इन चीजों पे काम करने की जरूरत है, हम चाहेंगे कि उनको प्रायोरिटी पे काम सरकार की तरफ से जो हिदायत प्राप्त हुई थी वेरिफिकेशन ऑफ ई गिरदावरी, उसके अकॉर्डिंग मैंने कम से कम भी 10-15 गाँव का जो है वो दौरा किया है और अपने पटवारियों को, गिरदावर को, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उनको टाइमली अपना काम पूरा करने के आदेश दिए हैं और सजरे जैसे पुराने पड़ गए थे कुछ पटवारियों के पास, मैंने बोल दिया कि नए सजरे लगाएं और वो फील्ड में जा कर के विजिट करें। जब भी फील्ड की विजिट करेंगे, गिरदावरी की करने के लिए जाएं तो लंबरदार को साथ में लें। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा राज्य परिवहन की तालमेल कमेटी द्वारा बस स्टैंड परिसर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और विरोध प्रदर्शन किया गया और मांगों को लेकर रोडवेज अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में प्रधान
कैलाश चंद गुर्जर ने बताया कि सरकार द्वारा 1000 रोडवेज बस चालक को सरप्लस दिखाकर उनका विभाग बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका रोडवेज कर्मचारी विरोध करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार इस तरह के तुगल की फरमान जारी ना करे। उन्होंने मांग की है कि सरकार रोडवेज बेड़े में बसों की संख्या बढ़ा रही है ताकि प्रदेश की जनता को रोजगार व यात्रा करने में सुविधा मिले, अन्यथा वे बड़े आंदोलन की तैयारी करने को मजबूर होंगे। पीछे कुछ एक फैसले लिए हैं जो कर्मचारी विरोधी फैसले हैं, जिसमें 1000 ड्राइवरों को सरप्लस दिखा के और सरकार इस रोडवेज सरकार महकमे को बेचना चाहती है, जिसमें कर्मचारियों में भारी रोष है। हम चाहते हैं कि उन सरकारियों जो 1000 चालक सरप्लस दिखाए हैं उनके बदले में क्यों ना सरकार रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल करें, जो जनता की डिमांड भी है और नव रोजगार जो रोजगार खड़े हैं इनको रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार ऐसा ना करके और इस महकमे को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है, जिससे रोजगार वंचित हैं रोजगार से और कर्मचारियों में भारी रोष है। आज जो सरकार ने हमारे रोडवेज के बेड़े में 1000 ड्राइवर को सरप्लस दिखाकर दूसरे महकमों में शिफ्ट करने का जो प्लान बनाया है, तो उसके एवज में आज पूरे हरियाणा में कर्मचारियों में रोष है और हर डिपो में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना और अगर हमारे ड्राइवरों को दूसरे महकमों में भेजा, तो सचिव संबंधित हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ, आज का जो ये प्रदर्शन है इसमें मुख्यतः सरकार द्वारा 1000 जो चालकों को सरप्लस दिखाकर हरियाणा रोडवेज को जो बंद करने का काम किया जा रहा है, इसमें हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इन ड्राइवरों को दूसरे विभाग में न भेजकर बल्कि रोडवेज बेड़े में। और हमें बात करेंगे भिवानी की, रोहतम सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिसने सी भिवानी में रेड कर गैस की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया है और 100 से ज्यादा घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेंडर बरामद कर किसी बड़ी अनहोनी को होने से रोक दिया है। गैस के दामों के साथ गैस की कालाबाजारी भी बढ़ने लगी है, जिसकी वानगी भिवानी को में देखने को मिली। बताया जाता है कि रोहतक सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि तिगड़ाना लिंक रोड पर खेतों में गैस की कालाबाजारी का धंधा किया जा रहा है। जब सीएम फ्लाइंग ने सूचना के आधार पर रेड की तो टीम भी हैरान रह गई। यहाँ खेतों में खंडर हुए मुर्गा फार्म में एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा घरेलू व्यवसायिक गैस सिलेंडर एक दूसरे सिलेंडर में गैस भरने के लिए दर्जों पिन तोल के लिए कांटे और दो छोटी गाड़ी सिलेंडर की सप्लाई के लिए खड़ी थी। ये सब अवैध कारोबार का मालिक अमरलाल पंजाबी को भी सीएम फ्लाइंग टीम ने अपने कारीगर सहित मौके से दबोच लिया है। सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर आजाद ढांडा ने बताया कि अमरलाल पंजाबी ने यह अवैध कारोबार 15-20 दिन पहले शुरू किया था। उन्होंने बताया कि ऐसा बिना अनुमति व सुरक्षा से गैस एक दूसरे सिलेंडर में भरना, बिना सील के सिलेंडर में ये मात्रा से कम गैस बेचना न केवल उपभोक्ता की जेब पर डाका डालने जैसा है, बल्कि गैस लीक होने के चलते कोई भी बड़ी अनहोनी होने की आशंका रहती है। आज का विषय है, इसने जो है ना एक तो खुले दिल से जिस हिसाब से ये चोरी चपारी जो भी कर रहा था सिलेंडर की, मेरे समझ में नहीं आती, लोगों का भय खत्म हो गया। इसने कमर्शियल और घरेलू गैस के सिलेंडर करीब हमने 104 बरामद करे इससे। ये एक मुर्गी फार्म है देवेंद्र राजपूत का तिगराने का, उसका बंद पड़ा है मुर्गी फार्म का, तो काम यहाँ चल नहीं रहा। ये अमरलाल नाम का पंजाबी है हाँसी गेट का अपने भिवानी का, इसने एक नौकर रख रखा है अपनी उस पर गाड़ी पे। इसका कहने के मुताबिक ये कहता है मैं किसी भी गैस एजेंसी पे ले आऊँ कोई रोक टोक नहीं है, इसके पास ना कोई कापी है ना कोई सिलेंडर चल रहा है, इसमें करीब 40 सिलेंडर भरे हुए हैं। हमने जो पकड़ा है ये पकड़ा है कि ये अगर कोई बात हो जा तो यहाँ फसल पकने को हो रही है, तो बहुत बड़ा हादसा जो है टल गया है। अगर जनता में ये यहाँ चारों तरफ अगर फसल काटने के लिए लोग आएंगे, अगर यहाँ 20-30 आदमी लामनी करते हों और कोई बात तो हो जाए हादसा हो जाए, फसल पकने के बाद आपने पता कितनी आगजनी बनती है, तो इस आदमी को जो इतना दंड दिया जाए उतना कम है। तो कैसे गड़बड़ कर रहा था ये, छोटे से बड़े में क्या कर रहा था इसका? मेरा जहाँ तक ख्याल है ये क्या करता है कि जैसे चाय वाले हैं लोग हैं, दूसरे ढाबे वाले हैं, उन पर सरकार की मनाई। इतना ही, आप बने रहिए बीवीएम न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।